मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? ये देखें, ये मैं उठ गया हूँ, बाकी दो जो है भगाए हैं उधर मैंने, वो कौन छुपके से जो है निकला हुआ है कमलों के बीच में से। ये है नौश और वो भी बीमार हो गई है। दो तो आपको पता है, दो बीमार हुए हुए थे, पीछे एक का बिस्तरा है, दूसरे को भी तो लिटाया हुआ है, तीन ये बीमार और बीच में ये एक अनार। सारी रात इतनी सर्दी लगी है ना, इतनी बॉडी एक इतनी सर्दी, तबीयत खराब है ना आपकी बहुत ज्यादा जो है। मैंने कहा है कि सो जाओ थोड़ी देर जो है, ताकि मैं उनको ले जाता हूँ बच्चों वहाँ पर, आपको रेस्ट मिल जाएगा यकीन करें। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा हुआ है इस वक्त जो है ना। उफ, ये बादल आए हुए हैं और ये देखें, ये बिजली हुई है, ये बिजली भी चमक रही है। मौसम है यार, मौसम ये पहली दफ़ा जो है मैं हम शारजा में जो है ना बारिश देखेंगे जब होती है। तो गुड़िया सामने मिस्ट आ रही है, वो देखें, उफ ये बिल्कुल सामने सामने आना शुरू हो गई एकदम से जो है। ये देखिए बारिश 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 बारिश, ओए होए 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 होए। पहले दिखाया था वो सीन सामने जो है मिस्ट आई हुई थी, अब देखें ये बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। ये देखें मिस्ट हो गई है और बारिश साथ में हो गई है, ये देखें क्या सीन है। ओ ये फर्स्ट टाइम एवर, जब से हम आए हैं तब से पहली दफ़ा मैंने बारिश देखी है, कितनी मज़े की। और ये देखें ये जो गिर रही है, ये ओ देखें फवार पड़ रही है बिल्कुल नीचे जो है यार, ओ होए 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 क्या मज़ा आ रहा है। इस वक्त जो है ना बंदा कहता है कि ऐसे मौसम में नहाने का मज़ा ही कुछ और होगा, नहाने का। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, हम भी बारिश की बात करते हैं तो नहाने की क्यों बात करते हैं। चले मौसम को एंजॉय करिए, देखें जी गुड़िया यार ये सीन देखने वाला है, मौसम जो है ना, ओ उफ ये बारिश वाकई जो है ना देखने वाली है। हाँ कसम से यार ज़बरदस्त, उफ 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 मौसम मौसम ऊपर से दिखा रहा था ना क्या मौसम है, ये देखिए मैं आया था गुड़िया के लिए एंटीबायोटिक लेने के लिए जो है, कि तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार भी हो रहा है साथ में जो है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से ले आऊँ इससे पहले कि काम ख़राब हो, तो बस इतना सा है। ये मैं फार्मेसी आ गया, बादल गरज रहे हैं कसम से, बिजली चमक रही है, आवाज़ आई ना आपको बिजली के चमकने की जो है। ये है मौसम, इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है इस वक्त जो है, ओ हो। लेकिन मैं जा रहा हूँ वो दूसरी फार्मेसी में, यहाँ पर इनके पास नहीं थी, दूसरी फार्मेसी जा रहा हूँ गुड़िया के लिए एंटीबायोटिक लेने के लिए। मेडिसिन ले ली है, वापस जा रहा हूँ, ओए होए इतनी प्यारी यादें बन गई हैं, मज़ा आ गई। ये देखें सही मैं गीला हो गया हूँ, गुड़िया को रेस्ट ही करने दूंगा, बच्चों को जो है अभी नाश्ता देता हूँ, गुड़िया को भी नाश्ता दूंगा, खुद भी करूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं हम जो है। आपको पीछे पीछे आवाज़ें आ रही होंगी साथ साथ जो है, बादल गरज रहे हैं, बारिश तो हो ही रही है, ज़बरदस्त यार। चले मिलते हैं अभी जो है। तय बेटा आ जाओ, मिशू कम, ये मामा का नाश्ता तैयार हो गया है। बेटा ये आपका है और ये साथ में है उसका, ये लो। ओके थैंक यू, ठीक है ले जाओ। कॉल मिशू एज़ वेल प्लीज, मिशू। ये मिशी का हो गया और ये गुड़िया का हो गया। मिशू कम फास्ट, ओ बेबी वाओ। अच्छा बेबी, पुट दिस ऑन द टेबल व्हेन यू गो देयर and eat from the plate please, okay, enjoy, have fun, bye। ये आपका नाश्ता लेकर आ गया हूँ मैं, वेलकम। ये गुड़िया से खाई नहीं गया बिल्कुल भी जो है, तो अब गुड़िया को दो तीन, हाँ साढ़े तीन स्पून जो है योगर्ट के दिए मैंने और साथ में शुगर दिए, वो भी हार्डली टू स्पून उसने लिए हैं, और उसको मेडिसिन दे दी है ताकि वो रेस्ट करें, उनकी बॉडी बहुत एक कर रही है उसकी जो है। ओके कैन यू प्लीज स्टार्ट दिस, एल्स यू विल हैव वॉमिट, ओके प्लीज ईट। ओके ईट भी इस तरह करना है कि जी देखें, वो बाइट करना नहीं है, मुंह में रखना है बस। अब कैन आई मिशू ईट, यस यस आई एम ईटिंग, हाँ जी टीवी देखना है बस, मुंह नहीं हिलाना। फिर तो आप जब छोटे थे आप भी ऐसे ही करते थे। बच्चे जो है ड्रॉइंग कर रहे हैं यहाँ पर, यू आर हैविंग फन, वेयर इज मामा, ओह शी इज सिक, ओह ओके स्लीपिंग, या बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप लोग आपस में नहीं लड़ना, मिशू हेयर जो दूदू, ओके। और मैं मामा को दबाने लगा हूँ, मामा की बॉडी एक सो रही है, आपको पता ना फीवर है, ठीक है चलो। ऑलराइट यू गाइस हैव फन एंड प्लीज नो फाइटिंग, ओके बी गुड बॉयज, आई एम टॉकिंग टू यू, ओके। देखो लिफ्ट नहीं कराता है कोई, गर्म चाय का प्याला हो और उसको पिलाने वाला हो। क्या हाल है, सबने से
हाल क्या है, एक से बढ़ के एक बीमार हूँ हो के आपको हमने सही भगा के रखा आज, है वाकई ना। आई एम ग्लैड यार यू आर फीलिंग बेटर। कहते हैं सुबह तो आप क्या हुआ था, रोने वाले हुए थे। आप मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, रो क्यों, मुझे नहीं पता, बस निकल रहा रोना, वो इतना तबीयत ज्यादा खराब थी ना कभी बहुत ज्यादा। हाँ मुझे बॉडी एक सो रहे थे और तो काइंड सारे। ऑफ फिट से आए रोने वाले चलो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ही गंदा अटैक आ रहा है इस दफा वायरस का। अल्लाह ताला खैरियत रखे। बस बच्चों के भी था तो फिर इसलिए मम्मा को तो होना होता है ना, वो चेक करें इसको जो है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। चलें एक 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 डोज चली गई है तो इसलिए आप जो है जाग पड़े हैं, आप जो है आंखें खुल गई। बीमार होते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला हेल्थ दे यार। आ गई मुझे, मैं उठ के और मैंने आज खूब दौड़े लगवाई शहजाद, हम सारों ने मिल के दौड़े लगवाई है ना शहजाद, मजा आया। पिछले 4-5 साल में कभी भी बीमार नहीं हुए हम लोग ना इस तरह से, मैं अल्लाह करे शहजाद तो ना ही हो ठीक रहे, तो ये कि इतने टाइम बाद बीमार हुई ना, तो और ऊपर से प्रैक्टिस से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए। खैर बहुत रात हो तो बुरा हाल था, शिवरिंग हो रही सर्दी से बुरा हाल, और सुबह उठे तो रोना आ रहा था, तो मैं शायद से कहती कि ये भी काइंड ऑफ वही दौरा है जो थे हामी को पड़ा था, फीवर ज्यादा होता है तो मुझे भी रोना आ जाए बस फॉर नो रीजन। अभी मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो बनाने लगी हूँ, शहजाद ने तो मुझे 1000 दफ़ा मना किया है कि नहीं करो ना, लेकिन वो मैरिनेट करके रखा हुआ, उसको नहीं पकाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, तो चिकन वेस्ट तो नहीं किया जाता, तो मैंने कहा बस मैं इसे चूल्हे पे रख दूंगी बाकी आप पका लेना, तो ये है और साथ में नूडल्स बनाएंगे और हमारा लंच हो जाएगा। अगर मैरिनेट ना किया हो तो मैंने काम को हाथ भी लगा दिया। तैयार ने भी शावर ले लिया है, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। चलो आई एम ग्लैड यार, जबरदस्त हो गया। गुड़िया जो है बाज नहीं आई है, उसने कहा है कि मैंने कुकिंग करनी है, कसम खाई हुई है कि मैं जो है मतलब कुछ भी हो जाए ना मैं कुकिंग के बगैर जी नहीं सकती हूँ, तो ये हाल है। बाकी मैं ही कह रहा था, शो डाला हुआ था मैंने जो, आई एम जस्ट गोइंग टू डू द डिशेज क्विकली, तो उनके ताकि वो हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। और ओ माई गॉड गुड़िया, अपने हाथ आपने यहाँ छोड़े हुए हैं, ओ वाह ऑसम मैन, आई यूज दीज हैंड्स। ये ठाकुर वाले हाथ नहीं, ये गुड़िया वाले हाथ हैं, जैसे उसमें था शोले में जो है। हाँ जी ये था ओले ओले। हाँ जी ग्रीन, और कितनी चाहिए, दो दो तीन तीन, एक ग्रीन और एक ही येलो पड़ी हुई इधर जो है, चेक करें गिन के रखी होती हैं, बोल रहे कि एक ग्रीन और एक येलो गिन के रखी हुई है यहाँ पर। गुड़िया ने अपने फ्रिज में जो चीज़ें हैं ना वेजीज जो हैं सारे, उसको पता होते हैं कितने पड़े हैं, यानी कि अगर मैं कोई खा भी लूँ बीच में जो है तो उसको पता चल जाए कि मैंने ही खाया हुआ है। भाग के उधर चला गया। कम मिशु, मिशु कम, वाह पाला बेटा आ जाओ। यू वांट टू सी फील गुड चिकन दैट आई मेड? ओके ओके, बट डोंट टच इट, इट्स रियली हॉट। ओके शो मी, देखो तो थैंक्स सो मच। यस यू कैन शो मी, सी ये मैं कर रहा हूँ कोयले गरम, इस पर रखूँगा बखूर, जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह है ना हमारे घर में फ्लू के जो ख़त्म हो सारे, जो क्लेंजिंग हो। ओ ये क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, ये गुड़िया है यहाँ पर जो कुकिंग कर रही है। चले जी ये हो गया, गुड़िया चूल्हा बंद कर दोगे प्लीज़। ये जनाब ये मैंने कर दिया इधर, ऑसम ज़बरदस्त किस्म, और ये जब धुआं उठेगा ना जो फिर बैठती है स्मेल, आ हा हा हा, ये पीस मैंने तोड़ा है बस, मोर देन इनफ, ज़बरदस्त हो रहा है काम यार ये। चलो जी इसे रखूंगा दोनों कमरों में, पूरे घर में करूंगा रोटेट जो है ताकि स्मेल आना शुरू हो जाए अच्छी तरह। तैयार है प्लीज़ विंडोज़ बंद कर दोगे, वो विंडो बंद कर दो ताकि इसकी स्मेल जो है ना घर में बैठ सके बेटा। एंड आई एम स्विचिंग दिस लाइट ऑन प्लीज़। ओके ये देखें जादू के चिराग की तरह हमें पीछे से आ गया सामने जो है। चलें जी इधर ही विंडोज़ बंद कर दूँ, वैसे ही मगरिब का टाइम है तो जल्दी जल्दी मैं विंडोज़ बंद कर दूँ। ये हो गया, You remember? It's good. You like it? Chalo, that's good. Event karne darwaza hai, that's jo hai. No, it won't make you sad. Aap piche ho ke baitho aram se. I'm bringing lolos and chicken that mama made for you and you're going to eat it, okay? Okay, it's okay, that's not a problem. Theek hai? Come. ये मिशी के प्लेट बनना ये अपनी है। हाँ यार क्या औसम कलर्स हैं यार इसके जो है कसम से, एंड आई एम 100% श्योर इसका टेस्ट भी जो होगा ना खीर ज़बरदस्त होगा यार ये। औसम जो है खीर, आई जस्ट लव इट यार, आप जब भी बनाते हो ना ये मुझे मज़ा आ जाता है यार। ये मेरी फनकारी देखें इस तरह से जो है, कैमरे को पकड़ के अपने रिव्यूज़ खुद दे रहा हूँ जो है आपकी डिश के बारे में। आप बड़े स्पाइस ज़्यादा, स्पाइस ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है।
तकरीबन इस वक्त 7 बज रहे हैं और फायर वर्कस वगैरह देखने के लिए शहजाद ने कहा था मजाज 2 पे ले जाएं, क्योंकि कल तक तो मैं बीमार नहीं थी और कल मिशारी थे, हम ही बीमार थे तो हमने ग्लोबल विलेज नहीं जाना था। ग्लोबल विलेज पे ना 4 बजे के बाद आई थिंक एवरी आवर फायर वर्कस हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है ना वो मज़े का सीन है, लेकिन इनकी वजह से हमने नहीं जाना, बहुत दूर है और फिर वॉक वॉक करनी पड़नी। लेकिन अब वो मैं भी बीमार हो गई हूँ और मेरी बीमारी का जो है वो स्टार्टिंग डेज हैं, जिसमें एनर्जी नहीं होती, बॉडी एक्स होती है, वो होता है, तो मेरे से तो लगता है गाड़ी में भी नहीं बैठा जाएगा। तो आई थिंक यही है हमारा न्यू ईयर ईव, इसी तरह ही गुजरेगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साल बहुत अच्छा गुजर गया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात। मैं तो लेट गई हूँ खाना खा के और शहजाद जो है वो बर्तन धो रहे हैं। बहुत सख्त सर्दी लग रही है, तो एक तो मैंने स्वेटर पहना है मोटा थिक वाला और साथ में मैंने वो भी ले लिया ब्लैंकेट। Somebody is here to give me company. That's my baby. Good. And I still have ये कर लिया मैंने क्लीन, बाकी सीमेंट दिए थे सारे, अरे चूल्हा भी क्लीन कर दिया गुड़िया के लिए, यार जबरदस्त हो गया काम। ये गुड्डू दादा की खिदमत हो रही है यहाँ पर जो है, मतलब आज गुंडागर्दी होती रही है पूरा दिन जो है, और मैं गुड्डू दादा की खिदमत करता रहा। मैं रहा अलहमदिल्ला तबीयत तो बेहतर है पहले से, गुड़िया की जो है शुक्र है मिशी सो गया है, तो हमें भी लटा दिया मैंने सोने के लिए। आज सुबह आपको याद होगा मैं बोल रहा था कि पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा गुजरा, ये लोग अब ठीक हैं बिल्कुल जो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हम सब के लिए एक अच्छा साल लेकर आए और मुबारक करें हम सबको जो है। चलें फिर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आज तो इतनी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है ना न्यू ईयर की वजह से, ऐसा कभी भी नहीं नज़र आता है। और वो दूर आपको धुआं नज़र आ रहा है, वहाँ पर फायर वर्कस हुए हैं जो यहाँ से नज़र नहीं आए, हमें फायर वर्क की आवाज़ आ रही थी लेकिन फायर वर्क नहीं नज़र आए। बट एनी वेज, Happy New Year!